एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.4 है, क्लस्टरिंग के बच्चे जानेंगे। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, पहले का पहला 2x² + 3x + 5 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहले जो द्विघात समीकरण लिखा है उसको लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, लिखने के बाद उसकी तुलना कर देंगे ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे x² से x² कट जाएगा, x से x कट जाएगा, इसमें कुछ है नहीं कटने वाला। तो a बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, b बराबर यहाँ -3 हो जाएगा और c बराबर यहाँ -5 हो जाएगा। ठीक है, और विविक्तिकर d बराबर होता है b² - 4ac विविक्तिकर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले पर रखेंगे तो b का मान है √3² - 4, a का मान है 2 है ना यहाँ पे 2, और c का मान है 5, यहाँ 5 लिख देंगे। तो इसका गुणा करेंगे, -3 का गुणा -3 में करेंगे दो जगह, तो हो जाएगा -9। ठीक है, और ये 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, √40 हो गया। 40 में से 9 घटाएंगे तो √31 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि √31 जो है 0 से छोटा है, क्या है 0 से छोटा होगा ना √31, तो इसको लिख लेंगे। अतः इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, जैसे अगर 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक मूल है, और 0 से छोटा आएगा तो वास्तविक मूल नहीं है, मतलब माइनस में आएगा तो नहीं है, ये वास्तविक मूल है, के बराबर होगा क्योंकि 0 आया है। इसी तरह इसको भी कर लेंगे, और इसी तरह ये सब क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम उसी तरह इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का तीसरा है, उसी तरह आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 अब बता रहे हैं, इसका पहला, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। तो 2x² + kx + 3 = 0 है, तो 2x² + kx + 3 = 0, ये प्रश्न दिया है हमको, के का मान ज्ञात करना है। तो इसका भी तुलना करेंगे ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो ए बराबर 2, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर के, x से x कट जाएगा, बी बराबर के, और सी बराबर 3, विविक्तिकर डी बराबर 0, b² - 4ac = 0। तो के स्क्वायर हो गया, बी का मान के है ना, तो k² - 4 × a = 2 × c = 3 है, रख लेंगे। तो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 k² - 24 हो गया, तो k² = 24। और इस पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका k² का वर्गमूल k हो गया, और 24 का वर्गमूल आएगा 2 ÷ 6। ठीक है, इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ये दूसरा रहा सेम टू सेम उसी तरह, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके,